तो दोस्तों आप सभी से दरख्वास्त है कि आप इस वीडियो को समझें, इसको पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने रिजल्ट्स भी दिखाए हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने फर्टिलाइजर डाल दिया और रिजल्ट्स नहीं दिखाए उस वीडियो के अंदर। तो ये रिजल्ट्स के साथ दोस्तों वीडियो है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, ताकि आपके पास अच्छे अच्छे अपडेट्स आते रहें। और इस वीडियो अगर आपको पसंद आई है दोस्तों, तो आप इसको लाइक जरूर करें। दोस्तों अपने प्लांट्स और गार्डन की केयर करने की टिप्स जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पॉट गार्डन्स में। दोस्तों आज हम बात करेंगे अपने बुगनविलिया के प्लांट को कैसे फर्टिलाइज कर। तो दोस्तों जैसे आपने पिछली वीडियो में देखा था कि ये है मेरा बुगनविला का जो प्लांट है, इसकी रूट बाउंडिंग हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे इसको शिफ्ट करना पड़ गया था और एक बॉन्साई मैंने बनाया था, बॉन्साई की तरह इसको डेवलप किया था। तो दोस्तों ये वही बुगनविला का प्लांट है, और जो मैंने इसको शिफ्ट किया था काफ़ी नाजुक हो गया था। तो अब इसको शिफ्ट किए हुए लगभग 1.5 महीना हो चुका है, और आप देख सकते हैं इसके ऊपर थोड़ी सी फ्लावरिंग भी आ चुकी है। लेकिन अब मैं इसको फर्टिलाइज करने जा रहा हूँ, क्योंकि आने वाले मौसम गर्मियों का है और गर्मियों का मौसम ये ब्लूम करता है, तो उसकी मैं इसको तैयारी कर रहा हूँ, उससे फर्टिलाइज करने जा रहा हूँ, ताकि अच्छी ब्लूमिंग करे। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर पत्तियों से ज़्यादा इसके अंदर फूल आ रहे हैं। मैं स्टार्ट करता हूँ, इसके अंदर इस डाली से शुरू करता हूँ। आप देख सकते हैं ग्रीन कलर की पत्तियां हैं, और बाकी जो रेड कलर के या व्हाइट कलर के आपको फूल दिख रहे होंगे। ये देखिए, ये भी जो ग्रीन कलर आपको दिख रहा है, ये भी फूल हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको व्हाइट कलर के दिख रहे हैं दाने टाइप। तो ये पिछले साल की फर्टिलाइजिंग है जो मैंने की थी, जो अभी तक चल रही है। तो इस साल समर आने से पहले मैं इसकी दोबारा फर्टिलाइजिंग करने जा रहा हूँ, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करनी है। तो आपने अभी वीडियो में देखा इसका पुराना गमला, जिससे मैंने इसको शिफ्ट किया था, जिससे इसकी रूट बाउंडिंग हो रही थी। तो अब मैं इसको नए गमले शिफ्ट किए, 1 महीना हो चुका है, तो अब मैं इसकी फर्टिलाइजिंग करने वाला हूँ। ये रहा इसका पॉट साइज, इसको मैं बॉन्साई बना रहा हूँ। आप देखिए इसका तना भी काफी मोटा है, तो ये बॉन्साई के लिए परफेक्ट है। लेकिन आज की वीडियो फर्टिलाइजर पे है, तो उस पर शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी अच्छी तरह से गुड़ाई कर ली है, वो भी किनारे किनारे पे, क्योंकि किनारे किनारे पे ही हम फर्टिलाइजर देना जा रहे हैं, और मैं नहीं चाहता कि मैं इसके तने के आसपास फर्टिलाइजर दे दूं, क्योंकि इसको लगे हुए अभी 1 महीना ही हुआ है। तो मैंने अभी बड़ी मुश्किल से 1 महीने बाद जाके ये प्लांट थोड़ा स्टेबल हुआ है। मैं नहीं चाहता कि इसके ज़्यादा पास मैं इसको फर्टिलाइजर दे दूं, और जिससे कि इसकी और तबीयत खराब हो जाए। तो जो ये रूट्स आप देख रहे हैं किनारे किनारे पर, ये जो निकली हुई हैं, ये ज़्यादातर रूट्स ये डेड हैं, क्योंकि जब मैंने इसको रिपॉट किया था तो ये पूरा रूट बाउंड था, और रिपॉट करने के बाद ऊपर की जो रूट्स थी वो काफ़ी डेड हो चुकी थी। तो अब हम शुरू करते हैं फर्टिलाइजर के लिए। फर्टिलाइजर के लिए मैं अपना एक नया पैकेट जो बोन मिल का है वो यूज करूंगा, और पोटास यूज करूंगा, और थोड़ी सी गोबर खाद यूज करूंगा। तो जो बोन मिल है वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में काउंट होता है दोस्तों, अनलेस अंटिल हमने इसके अंदर कुछ केमिकल खाद ना मिलाई हो। मैं इसके अंदर 2 मुट्ठी के आसपास बोन मिल डाल रहा हूं, जिससे क्या होगा इसका, क्योंकि मैंने इसको बॉन्साई बनाया है, तो मैं चाहता हूँ इसका तना डेवलप हो। और बॉन्साई में और बोन मिल में फॉस्फोरस होता है, फॉस्फोरस तने के लिए और जड़ों के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जो प्लांट की जो ग्रोथ होती है दोस्तों, सिर्फ ऊपर से नहीं होती, वो नीचे से भी होती है। प्लांट ऐसे बढ़ता है दोस्तों, तो नीचे से जड़ें मजबूत रहेंगी, तभी ऊपर फ्लावरिंग होगी, और तना बॉन्साई हमने बनाना है तो तना भी मजबूत होगा। अब समय इसके अंदर पोटास डालने का। पोटास में 1/2 मुट्ठी लिया है दोस्तों, और किनारे किनारे पे मैं इसको स्प्रेड कर रहा हूं। एक चीज जरूर याद रखिए, जब आपने पोटास डाले तो पानी से गमले को जरूर भरिए, पूरा मिट्टी से ढकने के बाद। तो पोटास क्या होता है दोस्तों, पोटास होता है अंदरूनी ताकत के लिए होता है। ये कभी भी ये हमेशा प्लांट को अंदरूनी जो अंदरली स्ट्रेंथ है वो प्रोवाइड करता है, जिससे प्लांट कभी ढीला ना पड़े। आप भी कभी अगर बीमार हुए होंगे, कभी रिपीटेड फीवर हो रहा होगा, बार बार बुखार चढ़ रहा होगा, तो एक समझदार डॉक्टर आपको जरूर एक पोटास की गोली जरूर देगा, ताकि आपके अंदर एक स्ट्रेंथ बन पाए और आपकी अंदर मजबूती बन पाए। तो पोटास से ये सब होता है, पौधा कभी ढीला नहीं पड़ता और अच्छी तरह ग्रोथ करता रहता है। तो जो तीसरी चीज मैं डालने वाला हूँ वो आप सभी जानते ही हैं, वो है गोबर खाद, डीकम्पोज गोबर खाद है। तो ये मैं डाल रहा हूँ इसके अंदर, अगर आपके पास नीम खली है तो आप वो भी डाल सकते हैं, कोई इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो अब हमने तीनों चीजों का मिक्सचर बना लिया है, तीनों चीजें हमने डाल दी है, तो टोटल हमारा ये फॉर्मूला बन चुका है एनपीके का। एनपीके
क्योंकि गोबर में नाइट्रोजन होती है, बोन मील में फॉस्फोरस होता है और पोटास तो हमने डाल ही दिया है, तो एनपीके का फॉर्मूला बन चुका है, तो वो हमने बना दिया पूरी अच्छी तरह से। और जब मेरे ख्याल से इसकी 7 से 8 महीने की फर्टिलाइजिंग इसकी हो चुकी है और अब इसको दोबारा फर्टिलाइजर डालने की 6-7 महीने तक जरूरत नहीं है। लेकिन अगर फिर भी हिदायत के तौर पे मैं आपको इंस्ट्रक्ट करूंगा कि अगर फिर भी आपके प्लांट में अगर फ्लावरिंग आनी बंद हो जाए तो दोस्तों एप्सम सॉल्ट जरूर डाल दीजिए। आप उसकी सॉल्ट की पावर को नजरअंदाज कर रहे होंगे, लेकिन उसमें जितनी पावर है वो एकदम से प्लांट को पुश करता है कि फ्लावरिंग करे। तो अगर आपके तब भी ये सब डालने के बावजूद भी आपको अगर फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आप एप्सम सॉल्ट 1 चम्मच आधा चम्मच डाल सकते हैं 10 दिन के बाद 3 टाइम। इसको डालने के बाद अब एक बार आप अच्छी तरीके से इसको हिला लीजिए, ज्यादा डीप में मत लाइए, ऊपर ऊपर ही जितना फर्टिलाइजर है वो एक बार आपस में आप मिक्स कर लीजिए, हल्के हल्के हाथों से करना है। जो फालतू के कण हैं वो आप निकाल दीजिए। अब समय जो हमारी मिट्टी हमने निकाली थी वो इसके ऊपर दोबारा डालने का। तो हमारी ये 6 से 8 महीने की फर्टिलाइजिंग का काम पूरा हो चुका है। अब हमें इसको 6 से 8 महीने कुछ करने की जरूरत नहीं है, लगातार फर्टिलाइजिंग लगातार फ्लावरिंग करता रहेगा, कोई प्रॉब्लम इसमें आने वाली नहीं है। बस इसका पानी का थोड़ा ध्यान रखना है और तब इसके अंदर फ्लावरिंग होगी। तो इसका पानी का दोस्तों यह असूल है, जितना ज्यादा पानी देंगे उतना ज्यादा पौधा बढ़ेगा, उतना ज्यादा लंबा होता रहेगा। हल्की से आप पानी आप रोकेंगे तो थोड़ा फ्लावरिंग की तरफ ज्यादा जाएगा, थोड़ा फ्लावरिंग ज्यादा करने लग जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पानी बिल्कुल रोक दें और ये पौधा मर जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। पानी ध्यान से देना है, ज्यादा पानी ना दें, ज्यादा पानी देंगे तो ये बढ़ने लग जाएगा और थोड़ा नियमित सही पानी देंगे तो ये फ्लावरिंग अच्छी तरह से करेगा। अब समय इसके अंदर पानी डालने का, पूरा पानी से भरना है जैसे कि मैंने बताया था। कभी भी आपको, वैसे भी आपने कभी नया गमले में फर्टिलाइजर डाला हो, गमले का भी फर्टिलाइजर डाला उसको पूरा भरना ही है, लेकिन हमने पोटास भी डाला तो इस वजह से हमें भरना पड़ेगा इसको पूरा। तो यही थी दोस्तों जानकारी इसके बारे में। जब इसके अंदर फ्लावरिंग पूरी ढंग से होगी तभी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करके इसको पोस्ट करूंगा। तो दोस्तों फर्टिलाइज क्यों है, अभी 1 महीना पूरा हो चुका है और बस होली आज है, तो होली पे मैं आपको जरा प्लांट की फ्लावरिंग दिखा रहा हूँ। देखिए पत्तियां नहीं आई हैं लेकिन फ्लावर से ये प्लांट भर चुका है, 2 रंग में इसके अंदर फूल आए हैं, व्हाइट एंड रेड। तो अभी पत्तियां भी आने आनी शुरू हो चुकी हैं, तो समर्स में जब और ब्लूमिंग होगी तो मैं उसके ऊपर एक अलग सी वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों आप देख ही सकते हैं कि कितने सारे फ्लावर्स आ चुके हैं इस प्लांट के अंदर, आपको मैं दिखाता हूँ। काफी फ्लावर्स तो ऐसे हैं जो गिर चुके हैं। और ये दोस्तों फ्लावरिंग का 2nd राउंड है, पहले राउंड में इसके अंदर व्हाइट कलर के फ्लावर रहते सेम प्लांट के अंदर, अब इसकी जो फ्लावरिंग हुई है वो रेड कलर में आप बोल सकते हैं या फिर पिंक कलर में इसके अंदर फ्लावर आए हैं। तो आप देख सकते हैं काफी ज्यादा इसके अंदर आए हैं। और दोस्तों इसके अंदर और गुंजाइश थी फ्लावरिंग आने के लिए, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ कि आंधी बहुत तेज चली जिससे ये प्लांट था जो ये यहाँ से तने से मुड़ गया बिल्कुल, तो इसकी वजह से इसके अंदर थोड़ा इसकी हेल्थ को थोड़ा फर्क पड़ा। और आप देख ही सकते हैं कि मैंने डंडा ये रखा हुआ है, लगाया हुआ है ताकि इसको सपोर्ट दे सकूं तीनों चारों जगह से, ताकि ये प्लांट बिल्कुल गिर के टूट ना जाए। और अगर फ्लावर की बात करें तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितने छोटे छोटे और इसके अंदर आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इसकी फ्लावरिंग थम गई है, ये देखिए और कितने कितने छोटे छोटे आ रहे हैं लगभग हर टहनी में। दोस्तों देखिए हर टहनी में छोटे छोटे फ्लावर्स और बन रहे हैं, आप ये देखिए सारी टहनी आपको मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए। लगभग सभी टहनी में दोस्तों ऐसे छोटे छोटे जो है फ्लावर बन रहे हैं, तो इसकी फ्लावरिंग जस्ट स्टार्ट हुई है और मैं वीडियो बनाने में लेट कर चुका हूँ, कम से कम इसके अंदर 30-40 फ्लावर्स ऐसे हैं जो गिर चुके हैं।
तो ये प्लांट दोस्तों दो कलर के एक फूल वाला प्लांट है, इसके अंदर व्हाइट और पिंक कलर के फूल आते हैं। तो ये सेकंड राउंड फ्लावरिंग का था, तो मैंने आपको दोनों राउंड दिखा दिए। पहले राउंड में इसके अंदर व्हाइट कलर के फ्लावर आए थे और सेकंड राउंड में आप देख सकते हैं आपके सामने ये पिंक कलर के फ्लावर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो दोस्तों आप हमारी वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों।